इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, गागा भाई जी जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी इंतकाम कमेटी को साथ ही रिपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जी जिंदाबाद, मैडम सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, मैडम प्रियंका गांधी जी जिंदाबाद, विवेक गागा भाई जिंदाबाद, पंकज डोगरा जी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। आज यहाँ पे हम जिला कांग्रेस कार्यालय में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय महासचिव युवा कांग्रेस के देव दादा जी आज यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पे आए हुए हैं और उसके ये कार्यक्रम जो है ये हमारे युवा कांग्रेस के जो जिला प्रधान है रोमी शर्मा और उनके साथी द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है और अपने साथी जितने भी सारे यहाँ पे हैं ये यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के अंतर्गत यहाँ पे आए हुए हैं। ये भारतीय युवा कांग्रेस का ये कार्यक्रम है, प्रदेश युवा कांग्रेस इसको आगे लेके चल रही है और जिले में रोमी शर्मा जी के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। जैसे कि चुनाव की हालत इस प्रदेश में या यूपी में है उसको देखते हुए कांग्रेस ने व्यापक रूप में तैयारी की हुई है और आज तो आपको पता है कि हमारी 60% से ज़्यादा जो आबादी है वो युवा है, हमारे कश्मीर में जो 40 साल से नीचे है उन्हीं के साथ इस संपर्क अभियान जो है कि युवाओं को हम इस रियासत को जब 5 अगस्त 2019 को खोला गया उसके बाद क्या मुश्किल आते हैं, जहाँ रोजगार को लेकर महंगाई को लेकर बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है, कैसे हमारे यहाँ पे नित्य नए कानून बन के जो हमले हो रहे हैं इसको लेके हर बूथ पे यूथ को जोड़ा जाएगा और पूरा कार्यक्रम के बारे में जानकारी जो है रोहित शर्मा जी और हमारे जो ऑल इंडिया के महासचिव हैं अपने जुगदेव गागा जी उनके बारे में बता दूँ। ये इससे पहले जो प्रदेश में 2-3 साल से यहाँ कार्यकर्ता थे और युवा कांग्रेस को बड़े वाइब्रेंट तरीके से काम किया और हम इनको शुभकामनाएं भी देते हैं क्योंकि राजा बड़ी भी पहले जनरल सेक्रेटरी थे हमारे युवा कांग्रेस के ऑल इंडिया के, फिर वो अध्यक्ष बने, फिर पंजाब में कैबिनेट मंत्री बने, फिर पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हम उनको यही चाहते हैं कि ये भी उन्हीं की तरह उनके साथी के रूप में आगे बढ़े। हम सब लोग युवा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथी अच्छा काम करें, राहुल जी के और प्रियंका जी के हाथ मजबूत करें और देश जो है सेकुलरिज्म सोशलिज्म और डेमोक्रेसी जिस पे जो देश निर्धारित है उसी मापदंड पे चले और हम सब लोग इस मोदी सरकार से हम निजात दिला सकें। इसके लिए युवाओं से हम आह्वान करते हैं और अपील करते हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़ें, कांग्रेस के कार्यक्रम में जुड़ें और हमारे युवा साथी को जुड़ें ताकि हम उस तकलीफ को दूर कर सकें और इस रियासत को फिर से वो खोया हुआ गौरव हम वापस दिला सकें। आज का हमारा ये जो प्रेस को आता है इसमें पहले तो मैं आपके सभी प्रेस को दूर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो जो प्रोग्राम दिल्ली से राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश पूरे जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है उसी का आज आगाज हमारे जिला कठुआ में किया गया है और उसी को लेकर आज हमारे बीच आज के हमारे मेहमान इंडियन यूथ कांग्रेस के महासचिव और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज श्री जगदेव गागा जी यहाँ पे पधारे हुए हैं क्योंकि ये जो यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का प्रोग्राम है इसको लेकर हम हर गांव में हर पोलिस स्टेशन पे लेके जाएंगे और युवाओं के साथ विचार करेंगे, उनकी परेशानियों को सुनेंगे और जो युवा हमारी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है उसको जोड़ने का काम भी किया जाएगा। उसी को लेकर आज हमारे भी जगदेव गागा जी आए हुए हैं, यही आपको इसके बारे में विस्तार में बताएंगे। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जो सोच भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज श्री कृष्णा राव जी की सोच और भारतीय युवा कांग्रेस के हमारे जावास अध्यक्ष श्रीनिवास मिली जी की सोच के हर वो जगह जो राजनीति में अपनी बात रखना चाहता है राजनीति में आना चाहता है चाहे वो किसी भी वर्ग से हो किसी भी जाति और धर्म से हो वो राजनीति में आना चाहता है आगे राजनीति करना चाहता है उसको लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने श्री राहुल गांधी जी के निर्देश पर और भारतीय युवा कांग्रेस के इंचार्ज श्री कृष्णा लाल और भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी जी के दिशा निर्देश तहत हमने पूरे भारतवर्ष में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो मुहिम चलाई हुई है जो हर प्रदेश में हम इसको लेकर जा रहे हैं। जम्मू में हम अगस्त महीने में इसको लॉन्च कर चुके हैं,
और 17-18 अगस्त को हमने 17 अगस्त को हमारे भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय विचार श्री कृष्णा लाल कश्मीर में उनकी रहनुमाई में उनकी अगुवाई में हमने इसको लॉन्च किया और आज हम जिला कठुआ हमारे माननीय जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अरुणी जी और युवा कांग्रेस के साथियों के सभी अगुवाई में आज हम यहाँ यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो मुहिम जो आज लॉन्च कर रहे हैं ताकि हम इस मुहिम को हर असेंबली में हर बूथ पर लेके जाएंगे और जो नौजवान जो साथी किसी ना किसी कारण राजनीति से दूर आ जाए जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा उनको हम राहुल जी की जो सोच है उसके तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज पहले दिन हम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। उसके बाद हर विधानसभा में हम पहले मीटिंग करेंगे, उसके बाद हमारे जो साथी वहाँ से संबंधित साथी कांग्रेस के लोग हर बूथ पर जाके 1 बूथ 5 यूथ उसके तहत हर बूथ पर जाके हम यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो उसके तहत हम इसको जोड़कर नए लोगों को शामिल करेंगे ताकि हम अगर नए लोगों को यूथ को साथ जोड़ लें जैसे कि माननीय अध्यक्ष जी ने बोला कि 60% आबादी अब यूथ यूथ की है तभी जो राहुल जी की सोच है जितने ये लोग यूथ के लोग पार्टी से किसी भी पार्टी से जुड़े हैं चाहे वो कांग्रेस पार्टी है कोई अन्य पार्टी है जितनी यूथ हमेशा किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और इस देश के निर्माण के लिए जैसे कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था युवाओं को आगे बढ़ाने का उसी के तहत वो चाहते थे कि मेरे पूरे भारतवर्ष का जो मेरा पूरा भारतवर्ष एक युवाओं के भारतवर्ष के भारत के नाम से जाना है इसलिए उस मुहिम को हम आगे लेके जा रहे हैं और बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो मुहिम को प्रदेश के हर विधानसभा में लेके जा रहे हैं। सर जिस तरह आप चला रहे हैं यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो भाजपा ने भी नए कार्यक्रम बहुत सारे चलाए थे युवाओं को आगे लाने की बात की थी लेकिन आज युवा युवा सड़कों पर है क्या कांग्रेस का तो सत्ता में आती है तो युवाओं को लेकर किस तरह उनके भविष्य की ओर बात करेंगे। देखो कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हम भाजपा की बात आपने बोला भाजपा की वो बात है कि हाथी के दांत से खाने के और दिखाने के और जिन्होंने देश के लिए कोई बलिदान ही नहीं दिया उनकी ना नौजवान है ना महिलाएं हैं ना ये देश है ना जो वो देश के सरकार को मानते हैं वो आपको पता ही वो किनको नौकरी दे रहे हैं वो अडानी अवानी ललित मोदी जैसे लोगों को नौकरी देंगे आम युवाओं को कभी नौकरी देंगे। आपने देखा होगा सत्ता से आने पे पहले मोदी जी बड़े बड़े भाषण दिया करते थे चाहे वो 15 लाख का हो या फिर 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया। आज 7.5-8 साल हो गए आज हमारा सवाल बनता है उनसे हम हर जगह पूछ रहे हैं कि वो 2 करोड़ हर साल रोजगार के जरिए आपने देखा नोटबंदी की तो कितने लोगों का रोजगार छीना उसके बाद कोरोना में कितने लोगों का रोजगार छीना ये लोग सिर्फ रोजगार छीनना जानते हैं देना नहीं जानते और कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा नौजवानों की महिलाओं की हर वर्ग की बात की हर वर्ग को आगे बढ़ाया। प्रभारी भी यहाँ पर सत्ता में आती है कांग्रेस अगर जम्मू कश्मीर में तो क्या देखते हैं क्या टारगेट है क्या लक्ष्य है। देखिए मैं युवा कांग्रेस का प्रभारी हूँ और मैंने पहले भी बोला कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर वर्ग को हर वर्ग को हर जाति को हर धर्म को सम्मान दिया। जब सरकार सत्ता में आएगी तो हम युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप बनाएंगे और नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे ताकि उनको रोजगार मिल सके। आज का नौजवान जो है बेरोजगारी के कारण अलग कोई नशे में ग्रस्त हो रहा है तो कहीं और है उसके कारण जो नशा बढ़ रहा है ये सबसे बड़ा कारण भी इसका बेरोजगारी है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे नौजवान साथी नशे की तरफ जाए वो चाहेंगे उसका सबसे मेन कारण बेरोजगारी। जम्मू कश्मीर में पिछले लंबे समय से युवा युवा सड़कों पर है चाहे भर्ती नीति की बात करें शिक्षा नीति की बात करें या फिर कुछ अन्य कारण हो यूथ कांग्रेस उनके साथ कभी भी सड़कों पर नहीं दिखी। क्या कारण है कि युवा जो है यूथ कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश इकाई वो उनके साथ सड़कों पर नहीं बैठती यहाँ तक कि भाजपा जो सत्ताधारी है उनके नेता उनसे मिल बैठते हैं युवा बैठते हैं लेकिन विपक्ष में कांग्रेस उनके साथ कभी नहीं मिलती। देखिए पहले मैं इसका जवाब देता हूँ ये आपका वहम है कि यूथ कांग्रेस ने कभी लोगों की लड़ाई मैं कभी नहीं सर जम्मू कश्मीर में जम्मू में वो आप कभी जम्मू कश्मीर प्रदेश युवा कांग्रेस का पेज खोल के देखिए आपको हर उस चीज़ की अपडेट मिलेगी जहाँ जहाँ हमने यूथ कांग्रेस के या हमारे साथियों ने युवाओं की लड़ाई लड़ी है। आप कभी देखना हो सकता है आपको किसी ना कारण वो अपडेट ना पहुँचे लेकिन जम्मू प्रदेश युवा कांग्रेस के हमारे साथी हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के उदयवान उचित और उनकी पूरी टीम हमेशा युवाओं के लिए लड़ी है हमेशा लड़ती रही।
क्या कारण है कि आज बूथ स्तर पर जो युवा है वो कांग्रेस की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि बड़े सारे मामले हैं कि लोग जो है वो कांग्रेस का नाम नहीं सुनना चाहते और अन्य विपक्ष आम आदमी पार्टी की बात करें लगातार बढ़ चढ़ रही है, तो क्या क्या समस्या कहाँ कमी रहती है, ये संपर्क नहीं हो पाता लोगों के साथ? जब झूठ को दिखाया जाता ना तो हर किसी को अच्छा लगता है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सच्चाई के साथ आगे बढ़ाया, ऐसा नहीं कि हम लच्छेदार भाषण देते हैं, बिल्कुल सिंपल दिल से बोल रहे हैं, दिमाग से कोई उनको खेल करके नहीं बोलते जैसे बोला जाता है। और आप बोल रहे कि यूथ कांग्रेस के साथ लोग नहीं है, आप 17 अगस्त की एक रैली चेक करो, कश्मीर में सबसे ज़्यादा यूथ कांग्रेस के लोग यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो प्रोग्राम में शिरकत की थी। यूथ कांग्रेस के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के भी साथ हैं।